दूसरा रिंग मिला है प्रदीप बाबू को उनके घर ससुराल से। आपके आ गया बस अब रोग तो साफ हो गया। जब वो वाला फोन रुकेगा ना तब रुकना। भाभी का वाला ना दौरा वाला इसमें हम लोग फोन हम लोग फोन हाँ ये लाइटर चल मंत्र दियो उधर से काम हो रहा है पूजा मंदिर आप उपेंद्र हो ये सामान है जेरी के बाल में सब करता था ये दोनों को ऊपर ले आकर उनमें देखना नीचे अच्छे से देख के उस साइड से भी सब करता इसके वो शरीर में पड़ रहा होगा उस साइड से यहां पर वो रखो तो मैट ला तो बोला बोला ना बोला ना उठा के वहां से जल्दी भूख लगा तो क्या करता है ब्लॉग नहीं बना रहा था नाश्ता दिखाओ आज रंजन आई है तो बिल्ली आ गई मेरे घर में बिल्ली मासी आओ मैं आओ आ जाए इंग्लिश बोल के बाबा का क्या मम्मा मार दिया इसको चाकू मुंह पे थूका है गाइस ये लोग मिल के पूरे घर को जंगल बना दिए हैं पहले इतने सारे थे अभी फिर रिमी जेरी आ गया है ना बुआ एगो फिर इधर भी है शेरा शेरा नाम कांचे दाया बिल्ला पूजा कांचे दाया है मम्मी किसी का पालतू है इसीलिए ना बैठी है किसी के पोसुआ है भटक के आ गए ऊपर अच्छा हम अकमल तंदुरुस्त भी है मम्मी मम्मी ऐसे लेकिन नहीं होगा किसी लग रही है बड़ा से मामा जी गाइस आज मम्मी से मिल गई है ये अपने आप आ गए रंजना आज मेरे घर में आई है ये भी आ गई है संग संग आप लोग बताइए बिल्ली को घर में आना क्या है सुबह संकेत की क्या है मम्मी हाथ धोना पड़ेगा धो लेंगे हाथ अब नहीं जाएगी अपने घर से दूध पी ली तो बाबू तुम मत जाओ उधर क्या पापा क्या होता है बिल्ली के आने से बिल्ली के आने से सकारात्मक संदेश मिलता है और लक्ष्मी का रूप माना जाता है बिल्ली को और इससे परिवार में धन और समृद्धि भी आता है राय हो जाएगा दोस्ती हो जाएगा इसका
अब जाने वाले इसको आज का दिन रंजना दरिद्रा समुद्र में से चूंकि दरिद्रा समुद्र से मदिरा लेकर निकली थी इसलिए उन्हें असुरी शक्तियों के साथ शरण मिली। वही माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शरण ली। ऐसे में लक्ष्मी को अपूजनीय माने जाने वाला और लक्ष्मी जी की पूजा धन की देवी के रूप में होने लगी। बिल्ली आपके घर में भैया कहाँ था यार ये क्या बोल रहा है? पिज्जा आया हुआ है 100 के जो आपका हुआ है उसका डिलीवरी दे दीजिए। हम खा चुके हैं कल ही रात में तो आज हम लोग खा लेते हैं। तो आप खाएंगे अपनी साली को खिलाएंगे और हम नहीं हम तो हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं कि जाइए नीचे थोड़ा सा आप देखिए पिज्जा स्लाइस वाला आए होंगे हम थोड़ा सा मेरा पैर में चोट लगा है तो पैसा दो लो। कितने का? चलो 50 रुपए लो जल्दी से। 300 दीदी रो रहा है पिज्जा स्लाइस वाला जल्दी आइए वो भी बुझ जाएगा किसके घर का है। कितने का है? 550 का है। पहली बार तुम इतना का मंगा रहे हमेशा तो 250 का खाते थे। ना सुधरेगा उसके लिए मेरे लिए नहीं दीदी बहुत गलत जूम आप ही गया। पैसा कौन दिया? पैसा अभी नहीं दिला खा लो बोलो डब्बा खाली था गिर रहा है। आओ पूजा जल्दी। तो ये तो मेरे का आया था ना 100 के का। इसको देखो बोले थे स्प्राइट देने के लिए तो क्या दिया है सुंदरा था ग्रेट है सर। तो मम्मी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दामाद को उंगली का उतारा हुआ रिंग दे दिया है तो बताना चाहेंगी कि दो ठो तो मम्मी क्या बोलना चाहेंगी? क्या बोला था लोग कि उंगली का उतारा हुआ दे दिया तो उंगली का उतारा हुआ है तो कोई बात नहीं है। दूसरा रिंग मिला है प्रदीप बाबू को उनके घर ससुराल से और तो आप लोगों को दिखाएंगे। अपने तरफ से दिया जाता है तो आप तो दी थी वो वीडियो नहीं कैप्चर हुआ था क्या? नहीं किया लो हम दिए हैं उनको जोड़ा पहनाई में लेकिन रंजना के घर से भी एक मिला है ऐसे प्रिंस मजाक में पहना दिया है उनको तो कोई बात नहीं है। दूसरा रिंग है मेरे पास रंजना के घर से मिला है सचिन के लिए भी और पापा के लिए मेरे लिए उनके लिए तो वो रिंग आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसा कैसा मिला है वो तो आपके चैनल पे दिख जाएगा। बाकी जो प्रिंस रिंग दिया था वो ये रिंग था जो कि मैं उनसे ले ली हूँ। मेरा दूल्हा को नहीं मिला था ये प्रिंस को मिला था तो ये प्रिंस दिया था तो हम दे दिए। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित प्राचित ब्लॉग में आप सभी का स्वागत तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लोग सुबह का वक्त हो गया है लगभग 9 बजने वाला है। अब सुबह का वक्त है सुबह का काम सर में दर्द हो रहा है वहाँ मेरी पुचकी खेल रही है अपनी मामी के साथ। ऐसा ही लड्डू था जब ये आई थी लेकिन थोड़ा सा इससे बड़ा था। क्या है ये चॉकलेट का चिंता हो रहा है कि भूल गए एक ठो खाए थे बस हमारे घर की दोनों बहुए लगी हुई है चूहा को भगाने में कैसे भगा है जी फिर आ जाएगा रंजना वो उसको हम लोग का घर में अच्छा लगता है। अच्छा ये नीचे वाले में है जो गैप है ना नीचे वाले में हाँ उसको ऊपर करो थोड़ा सा हाँ इसमें है नहीं मिल पा रहा उसको छोड़ दो बाबू छोड़ दो उसको
बाबू कभी खुद लगाया है कि नहीं? ना हाई सब कौन लगाता है, तेल से हो जाता है जब काम। कौन सा बॉडी लोशन है? जल्दी खत्म होगा तभी तो जल्दी लाना पड़ेगा। कौन सा है? नाम क्या है? ये देखिए, थोड़ा ये देखिए ना दीदी, जल्दी देखिए क्या है। जी हाँ, देख सकते हैं मेरे सुपुत्र जी खड़े हैं। हेलो मामा जी, पापड़ी ले। सो यहाँ पे मैं छुटकी का कर रही थी मालिश, रेडी होके मैं बैठी हुई थी कि छुटकी को रेडी करूँगी। उसके हाथ से जाना था एक्चुअली रंजना के लिए आउटफिट लेने, जो कि वो रिसेप्शन में पहनेगी, क्योंकि मतलब ससुराल का रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जाके उसके लिए लेके आते हैं हम लोग कोई एक आउटफिट। और लड्डू और प्रिंस मिल के हल्ला कर रहे हैं मेरे वॉइस ओवर में। तो अभी जल्दी से मैं इसको मालिश कर दी, तब तक मेरी एक मौसी आ गई थी, जो कि शायद वीडियो में कैप्चर हुआ होगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, या फिर अगर वीडियो ऑन हुआ होगा तो दिखेगा, अदरवाइज़ तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं छुटकी का कर रही थी मालिश, और फिर उसके बाद से हम लोग निकलने आते फटाफट से। और आज बहुत सारे लोग आने वाले भी हमारे घर, आज ही आएंगे, तो वो भी आपको व्लॉग में दिख ही जाएगा कौन कौन आने वाला है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी छुटकी मेरे को देख रही है, बोल दो हाँ हाँ। और आप लोग छुटकी को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।